अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरे तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों सबको मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जैसे भी हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज जो है हम लोग ना पकाने वाले हैं खाना, और आप लोगों ने हमारी वीडियो एंड तक देखनी है, फुल वॉच करना है। और हम लोग, आप लोगों को तो पता है, आप लोगों को बोर नहीं होने देते, और ख़ास तौर पर जिस वीडियो में मैं होती हूँ आप लोगों को तो बिल्कुल बोर नहीं होने देती। मैं काफ़ी मस्ती करती हूँ, मतलब मेरी बातों से आप लोग कभी बोर नहीं हो सकते। हाँ जी बिल्कुल, इनका एक चैनल भी है ना, डिसिप्लिन टीवी के नाम से होगा, उसके लिंक हम हर डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। डिसिप्लिन टीवी लिखा होगा ना, तो उसमें आप देख लो कितनी मस्तियाँ करते हैं। उसमें भी आप लोग जाएं और हमारे उस वाले चैनल को भी ग्रो करें, जिस तरह आप लोगों ने हमारे सब चैनलों को ग्रो किया है। ये भी आप लोगों की सपोर्ट है, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आप लोग मेरे को सूरत हाल बताओ अपनी। अपडेट दो, यानी कि अपनी अपडेट दो कि आप लोग कहाँ गए हो, आप लोगों ने क्या मजे किए कल तक? हाँ जी मज़े भी, इसको मज़े भी पड़ी रहती है हर वक्त, क्या मज़े किए कल तक, और पूरी अगली पिछली डिटेल बताओगे ना तो ये कमेंट पड़ेगा ना तो बड़ा खुश हो जाएगा। फिर ये आवाज़ मार मार के बताता है अंकल का कमेंट आया भाई इतना अच्छा मेरे लिए, कर देना यार सब्सक्राइब भी करना, बेल भी मारना, ये खुश हो जाता है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते जब मैं चुप बैठा हुआ था? हाँ ये चुप हो जाता है फिर, ठीक है चलो। जब तक आप लोग इसको अपनी सूरत हाल नहीं बताते ना, तो ये जब तक बोर रहता है, और फिर जब हम लोग वीडियो बनाते हैं ना तो ये चुप चुप हो जाते हैं, बोलते हैं मैं नाराज़ हूँ। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। खैर अभी आपकी भाभी की तरफ चलते हैं, आपकी भाभी पका रही है खाना, तो इसके हाथ में इस वक्त पेट्रोल ही पकड़ा होता है मेरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका हमारे चैनल में, हमारे किचन में। तो अभी मैं पका रही हूँ बहुत ही सर्दियों की ख़ास चीज़, ये सही मूली के पत्ते पका रही हूँ मैं, और पकाऊँगी भिंडी आलू, दो डिशेज। हाँ दो डिशें बनानी है भैया, नाश्ता इन्होंने किया नहीं, और 11 बज रहे हैं, और कशिश ने उठते ही बोला भाई नाश्ता आप अंडे का करवाओ, बोला अंडे ख़त्म हो गए, ऐसा करते हैं कि मेरे पास भिंडी पड़ी है, भिंडी का नाश्ता कर लो। मैं कहा चलो ठीक है भिंडी से करवा दो भाई, भिंडी अलग नाश्ता दे रही, भिंडी आलू और पत्ते जो है ना मेरे लिए स्पेशल बनाएंगे पत्ते, ये कशिश भी खाती है, और मूली के पत्ते जो है ना ये दिखाते हैं ना पहले, जहाँ मैंने सामान रख दिया है पहले से। हाँ जी इसमें ना मैं प्याज टमाटर कुछ नहीं डाल रही, ये भिंडी है, हरी मिर्चें और आलू, ये दोनों एक साथ पक जाएंगे, और ये मूली के पत्ते रखे हुए, ये सिर्फ कुटी हुई मिर्चें डाल के मैंने तेल में फ्राई कर। हाँ जी बिल्कुल VIP नज़र आ रहे हैं यार, क्या जबरदस्त जबरदस्त। इसमें यह होता है ना मूली के पत्तों में कि ताज़ी ताज़ी अगर पका लो तो सही है, अगर ये मुरझा जाते हैं तो फिर पकाने का ही दिल नहीं चाहता, इसलिए मैंने बोला अभी ताज़े पड़े हैं तो इनको पका के दे देती हूँ, खाते तो खैर हम लोग सभी हैं, तो ये है कि चुंगे मार लेंगे। बिल्कुल जी चलो शुरू करते हैं। चलिए जी इधर से आके लगाओ आग। चलिए जी आपकी भाभी ने जो है ना, चलिए जी बिस्मिल्लाह, चूल्हा जलाना है, चूल्हा अल्लाह पाक हमारा जलाता रहे और सबका जलाता रहे, अल्लाह पाक सबको खाने पीने वाला बनाए और मौज मस्ती वाला बनाए, सेहतमंद बनाए। चलो शुरू करो। तो जी मैं अभी लगा रही हूँ आग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर काम से पहले पढ़ लेना चाहिए ताकि काम अच्छा हो जाए। चलो जी ऊपर तो फटाफट लगा देती हूँ। हाँ भाई इसकी क्या बात है आग लगाने की। चलो जी आग लग गई, अब थोड़ी देर के लिए जो है ना इसको कोयले बनने तक छोड़ देते, आग पक्की होने तक, ठीक है जब तक मैं रेस्ट करूं। और हम लोग जो है ना खा रहे चीज जो हम लोगों ने पापा से मंगवाई थी, हमने बोला नाश्ता नहीं मिला चीज लेकर आ गए। ये कशिश जो है ना बहुत चला के, धूप की वजह से देखो सन बिल्कुल ऊपर है, 11-12 बजे का वक्त है, और ये कशिश धूप की वजह से यहाँ छाँव में आ गई है, स्लैब पे बैठी है। हाँ बिल्कुल मैं तो सुकून नहीं, मैं कभी बाइक पे बैठती हूँ, कभी स्लैब पे, कभी चारपाई पे, कभी टैंकी पे, कभी वहाँ दीवार पे, सुकून नहीं। हाँ सुकून नहीं है भाई इसको, बिल्कुल नहीं है। मेरे दोस्तों आग लग चुकी है मेरे ख्याल से, VIP वरात की भाभी ने जो है कढ़ाई उठा ली वहाँ से फ्राई के लिए, और कढ़ाई में करने लगी है फ्राई, कढ़ाई में फ्राई करूँगी भिंडी और आलू को सबसे। बिल्कुल जी, और कशिश जो है ना वहाँ एंटरटेन कर रही है छाँव में, सही है। इसने अभी ना मस्ती करी थी, आईब्रो ना इसकी आदत है, आईब्रो लेते हैं ना, मैंने बोला इसने ना मेरे को ख़राब कर दिया होगा, तो मैं वो चेक करी थी।
चले मैं सबसे पहले ऑयल डाल दूँ। डालो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भाईजान हम आपको फूड इसीलिए दिखाते हैं कि हमारा फूड वाला भी एक चैनल है ना भाभी का, तो उसके अंदर भी डालनी पड़ती है वीडियोस। तो ये मुझे कहती है मैं जब भी कोई खाना बनाऊँ तो वो आप वीडियो बना दिया करो। मैंने कहा ठीक है जी, आज भी हमारी छुट्टी हो गई है। छुट्टी मैंने नहीं की है, यानी कि सेठ ने दी है। अभी तेल में मैं डायरेक्ट आलू डालूंगी। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल, तेल में डायरेक्ट आलू डाल दिए। हम लोग जो टमाटर इसमें यूज़ नहीं करते, ये फ्राई बड़ी प्यारी होती है, आप देखना सूखी सूखी होती है, बहुत मज़े की होती है। मैं ऊपर से दिखाता हूँ खड़े होकर। तेल डाल दिया था ना, मैंने दिखाया नहीं तेल डालते हुए। आप दिखा करें। हाँ चलो जी, अभी पोटैटो है और पोटैटो के साथ ही जो ना थोड़ी देर के बाद डाल देनी इन्होंने भिंडी और मिर्चें, है ना, ऐसे ही है ना। सिंपल सिंपल फूड होते हैं हमारे, यानी कि अभी क्या बोलूँ मैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई ना, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं जो है ना प्याज टमाटर के बगैर खाना बनाऊँगी। बड़ा मज़े का बनता है प्याज टमाटर के बगैर, सच में आप ट्राई करना। हाँ कशिश आ गई, अलीजा आ गई, अलीजा अलीजा वहाँ से तस्वीर से, वो धूप की वजह से नहीं आती इधर, आप चलो ऐसे। अलीजा बेटी आ गई है मेरी, जनाब अलीजा बेटी जो है ना बहुत हसमुख है, हर वक्त यहाँ घर में रौनक बना के रखी हुई, खेलती रहती है, शोर शराबा ये वो, मोहल्ले वालों को तंग करना। जब पहले तो ये यहाँ जब मैं आती हूँ ना, यहाँ के मोहल्ले वालों को ये पता चल जाता है कशिश आ चुकी है, और जब यहाँ से वहाँ जाती हूँ वहाँ सबको पता चल जाता है कशिश आ चुकी है। और मोहल्ले वाले इतने तंग होते हैं लेकिन उससे प्यार भी बहुत करते हैं, मजे की बात है। तंग का मतलब प्यार करते हैं बहुत। हाँ। ना आंटियां ना मेरी दोस्तें, मतलब बड़ी हो छोटी हो सबसे मेरी सलाम दुआएं अच्छी है बहुत ना। हाँ। इंसान बात साथ करता है उनसे, मतलब जैसे कि गांव देहात का नहीं माहौल होता है, गांव देहात का माहौल होता है कि कोई भी किसी के भी घर पे घुस जाता है, बात करते हैं, आना जाना गैदरिंग लगी रहती है, यही हिसाब मेरे साथ भी है। बिल्कुल जी। अभी आलू जो है ना, देखें आप लोग, ये मैंने हल्के फुल्के फ्राई कर लिए, ऐसा कलर आ गया है, देखिए आलू का, आलू का कलर दिखाएं। हाँ हल्के फुल्के ऐसे हो गया, भिंडी डालेंगे सर, मैं इसमें भिंडी डाल, मिर्ची और भिंडी साथ ही जाएंगे, डालो। ये जनाब कशिश ने देना वो डाल दिए इसमें भिंडी और मिर्चे। अब ये फ्राई होंगे, अभी मसालों के साथ ही फ्राई होंगे, मसाले डालो, सिर्फ कुटी हुई मिर्ची डाल दो और नमक एक चम्मच डालो पहले भाज के, अब और डालो। चलो जी, अब नमक ऐड होने वाला, और आपकी भाभी ने बोला नमक ऐड किए बगैर मज़ा नहीं आता, थोड़ा कम कम बस। चलो जी, बस कुटी हुई मिर्ची और नमक, ये दो आइटम जाते हैं बस, और कुछ भी नहीं होता। लकड़ियाँ अंदर हैं। हाँ लकड़ियाँ अंदर सारी, मैं बोली थी ये बगैर प्याज टमाटर के भी सिर्फ कुटी हुई मिर्चों के अंदर खाना जो है ना बड़ा वीआईपी और टेस्टी बनता है। बिल्कुल सही कह रही है भाई, इतना मज़े का होता है ना। चलो कशिश, कशिश आप हट जाओ, कशिश को बैठने दो वहाँ। हाँ चमचा गिरी कर रही है भाई, मेरा काम इसने संभाला है चमचा गिरी। हाँ जब मैं यहाँ होती हूँ तो मैं संभालती हूँ, जब मैं वहाँ होती हूँ तो यहाँ पापा संभालते हैं। बिल्कुल, कितना वीआईपी नजर आ रहा है, देखो हम लोग ऐसा नाश्ता करेंगे अभी, बच गया तो खाना भी इसी का खा लेंगे। आज मैंने बोला कि नाश्ते में जो है ना अंडे पराठे इतने खाने अच्छे नहीं होते, अरे पापा इसमें अंडा भी डाल लें, तो मैंने इन लोगों को आज सब्जी बिटर खा ली है। सब्जी भी तो इतनी हेल्दी होती है, सब्जी खाना इतना अच्छा होता है। बिल्कुल सही बोला है। और जो लकड़ियाँ अंदर हो गई, चंसी दो उठाते हैं, मैंने तो दी थी आपको, आपके पास ही पड़ी, लोग सब्जी पास पड़ी और कशिश को परेशान कर दिया। अलीजा बाजी अलीजा बाजी पानी पिला दो।
चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब ये भाईजान ओके हो जाएगा ना, आपको दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद मूली के पत्ते भी भुनने और रोटी भी बननी है। और भाईजान तैयार हो गई है डिश हमारी, और देख लो कैसे VIP कलर आया है ब्राउन, और अंदर सारा मसाला भुन चुका है और VIP हो गया। उतारो, बिल्कुल उतारो। ओके हो चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखो VIP। ये बड़ा जबरदस्त सालन बना है, बहुत मजेदार बना है। हाँ। और अब मैं जा रही हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। देखो कैसी भिंडियाँ, देखो कैसी प्यारी अंदर वो हो गई है, इसको बोलते हैं VIP ना। ये अभी जब खाएंगे ना तो भिंडी जो है ना मुंह में क्रच क्रच करेगी, मजा आएगा ना। अच्छा जबरदस्त, वाह वाह। मूली के पत्ते और रोटी, ये दोनों चीजें इसके बाद बनने वाली है, वो हम दिखाएंगे पार्ट टू के अंदर, सही है ना भाई। चलो, और खाना जो है ना अभी मुझे उम्मीद है कि बड़ा जबरदस्त पक्का। मैं जरा टेस्ट करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो ऐसे ही खाने का मजा। देखा मैंने बोला था ना। चलो जी, आपकी भाभी नौरीन ने बंदोबस्त ये किया है कि हम इसको चाट मसाले से खाएंगे पहले, उसके बाद रोटी से खाएंगे, रोटी बना के, जो कि आपको पार्ट टू के अंदर जो ना भाभी शो करेगी, ठीक है जी। और कशिश खुश है, चाट के साथ खाने वाली है इस वक्त। ये मैं इधर कर देती हूँ ना। वाह यार, VIP यार, यकीन करो। उसको बोलते हैं भुनावा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को सलाह देती हूँ, जिन जिन ने खाने आए हमारे साथ, बिस्मिल्लाह करें। बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह करें। ये आतिफ ने तो आपको आगे भी दे दी प्लेट करके, आप लोगों के लिए तो यार पूरी बेच की भी हाजिर है। वाह बिल्कुल यार, VIP बात करिए, VIP बने है ना। चलो फिर इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में बाकी का पार्ट दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो।